हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास नंबर 4 में हम स्लिप स्टिच सीखेंगे। सो टुडे इन दिस क्लास नंबर 4 वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक नंबर और अल्फाबेट ऑन दिस सिंगल क्रोशे बेस विद द हेल्प ऑफ स्लिप स्टिच। सो हियर फॉर द बेस आई हैव यूज्ड सिंगल क्रोशे स्टिच फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 rows I have created of single crochet, and this is just for demonstration purpose. I have created only small sample. अगर आपको बड़ा नेम प्लेट बनाना है तो उस हिसाब से आपको लंबा सिंगल क्रोशे की पहले इस तरह से बेस बनाना होगा, उसके बाद हम इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो चलिए आज मैं एंड लिखूँगी। तो ये जो है हम स्लिप स्टिच यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट अगर आपको डायरेक्टली नहीं फाता है तो इन दैट केस फर्स्ट यू राइट डाउन द शेप यू वांट टू क्रिएट इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। सो वी आर जस्ट रिमार्किंग हियर आपको जो भी स्पेलिंग लिखना होगा तो उस हिसाब से आप पहले एक रिमार्क बना दीजिए। नाउ ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट इंसर्ट योर हुक। वंस अगेन दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ आवर वर्क। सो फ्रॉम फ्रंट साइड टू बैक साइड आई एम इंसर्टिंग दिस हुक। आई एम होल्डिंग दिस यान लाइक दिस। इस तरह से मैं यान को पकड़ रही हूँ, धागे को, और फिर अंगूठा जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ये सुइया मैंने यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पे इंसर्ट किया है। अब पीछे की साइड से हम इस तरह से येलो कलर के धागे को लेंगे और उसको सिंपली बाहर निकालेंगे। एक बार स्टार्टिंग और एंडिंग आ जाएगा फिर आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। सो इस तरह से पीछे की साइड से मैंने यहाँ से बाहर निकाला। अब जो नेक्स्ट स्टिच है जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, तो नेक्स्ट स्टिच में हम धागे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे और सुई को जो नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे। नाउ होल्ड दिस पोर्शन लाइक दिस एंड इंसर्ट योर हुक इनटू द नेक्स्ट स्टिच and again from the back side we will take this yarn and from the front side यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे जो लूप है उसमें से हम बाहर निकालेंगे। so combine this in this way. similarly insert into the next stitch again insert into the next stitch and from the back side इस तरह से आपको यान को बाहर निकालना है आगे की साइड पे। see इस तरह से मैंने धागे को बाहर निकाला। अब ये जो लूप है उसमें से भी मैं इस तरह से बाहर निकालूंगी। सिमिलरली अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच है वहाँ पे मैंने सुइया इंसर्ट किया। वापस पीछे की साइड से हम इस तरह से घुमा के ये जो धागा है उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। फिर वापस ये जो स्टिच है, लूप है, उसमें से इस तरह से स्लोली आपको बाहर निकालना होगा। इस तरह से हर एक नेक्स्ट स्टिच में से हम इंसर्ट करेंगे और पीछे की साइड से धागा इस तरह से
खींच के हम बाहर लाएंगे और फिर ये जो करंट लूप है उसमें से बाहर लाएंगे। चलिए अब मैंने एक स्टैंडिंग लाइन बना ली है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक अभी इसका फिनिशिंग बाकी है। ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे अभी हमने सिक्योर नहीं किया है, वो एट द एंड करेंगे। तो चलिए ये एक स्टैंडिंग लाइन हो गया एंड बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो हमें स्लांटिंग लाइन बनानी है इस तरह से। तो उसके लिए हमें ये स्क्वायर को घुमाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब वापस पोजीशन वही हो गई जो हम वर्क कर रहे थे। सो अगेन इंसर्ट योर हुक इनटू द नेक्स्ट स्टिच जो हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, एंड फ्रॉम द बैक साइड इस तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे। सिमिलरली इंसर्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच, अगेन इंसर्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच। जहाँ पे हमने ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ की है वही होल्स हमें फॉलो करने हैं। बहुत ही ईजी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको एडजस्ट हो जाएगा। पीछे की साइड से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब जो है वो हमने स्लैंटिंग लाइन बना दिया। तो वापस मैंने ये इसको घुमा लिया। अब जो है हमने वापस वही पोजीशन पे ला दिया जो पहली थी, और एक स्टिच हमें यहाँ पे लाना होगा इसके लेवलिंग के लिए, नहीं तो ये ऊपर हो जाएगा। तो और एक स्टिच हम वर्क करते हैं, वापस इसको घुमाते हैं। ओके, अब ये एकदम परफेक्ट लेवल पे है। वापस इसको घुमा दिया। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड लेटर बनाने के लिए। तो वापस हम नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे, पीछे की साइड से इस तरह से धागे को बाहर निकालेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे, अगेन पीछे से हम इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे। कंटिन्यू आपको इसी तरह करना है। इससे आप जो शेप देना चाहते हो वो दे सकते हो। एस बनाना चाहते हो तो सिंपली पहले एस ड्रॉ करो और फिर नीचे से इस तरह से ऊपर वर्क करते जाओ। जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की है तो वो सिंगल क्रोशे में आप सुइया इंसर्ट कीजिए, हुक इंसर्ट करो और उसी तरह से वर्क करो। अगेन वी विल इंसर्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड फ्रॉम द बैक साइड वी विल टेक दिस यार्न एंड विल वर्क स्लिप स्टिच। तो ये थे स्लिप स्टिच के बेनिफिट्स। चलिए अब यहाँ पे एंड कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट स्लिप स्टिच थी। अब धागे को हम इस तरह से कट करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल डेमोंस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक लेटर लिखा। सिमिलरली सी लिख सकते हो। के लिखने के लिए पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन करनी होगी, उसके बाद आपको धागा कट करके यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन और यहाँ से स्लांटिंग लाइन। तो एक बार करोगे तो इजीली आप कर सकोगे, बहुत ही ईजी है। तो ये मैंने एंड बना दिया है। अब इसका फिनिशिंग हम कैसे करेंगे? तो जहाँ पे लास्ट स्टिच हमने वर्क की थी वहीं से हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे। पीछे की साइड हम एक सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे, सिर्फ एक ही, कोई भी रैंडमली एक धागे में से, ताकि वो सिक्योर हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एक धागे में से हम, वो एक धागा ऐसा होना चाहिए कि आगे की साइड ना दिखे। सी, ये आगे की साइड नहीं दिख रहा, सिर्फ पीछे का एक छोटा सा हमने पोर्शन कंसिडर किया है, उसमें से हम ये पास करेंगे। तो ये भी सिक्योर हो गया, अब इसको भी कट कर लेंगे। तो ये परफेक्ट हमने एंड
alphabet write किया with the help of slip stitch. तो आप ज़रूर try करना, आपका जो नाम है वो पहले एक base इस तरह से बना लीजिए single crochet का. इसके previous class में ही हमने single crochet stitch कैसे work करते हैं वो सीखा था. तो पहले एक single crochet का base create कर कीजिए, जितनी length की आपका नाम है या तो फिर जितना लंबा work है उस हिसाब से आप पहले बेस क्रिएट कीजिए, उस पर नाम लिखे विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल, और उसके ऊपर इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्लिप स्टिच आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है और मेरी चैनल निधिस क्रोशे आर्ट में और भी बहुत सारे वीडियोज़ है तो वो भी आप ज़रूर विजिट करना, कैसे हम क्रोशे आर्ट यूज़ करके फ्लावर लीफ तोरण बहुत कुछ मैंने बनाया है. तो एक बार ज़रूर विज़िट करना निधिस क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल, और साथ ही में आपके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में. थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, हैव अ नाइस डे.